दोस्तों पंजाब ते हरियाणा दे किसानां ने तीन ऑर्डीनेंस जो कि किसानां दे बिल्कुल विरोधी आ उन्हां दा जबरदस्त विरोध किया। पर दूजे पासे मोदी सरकार दे चेलियां ने संसद दे विच इन्हां ऑर्डीनेंसां दे हक दे विच वोटिंग करके ये साबित कर दिता कि मोदी सरकार सिर्फ व्यापारियां ते वड्डे उद्योगपतियां दी सरकार आ। किसानां दा दर्द सरकार दे चेहरे दे उपर किते भी ना तां दिखाई दिंदा सी ते ना ही किसानां दीआं भावनावां दी उहनां दे विच कोई कदर दिखाई दिंदी आ। दूजे पासे किसानां दे नाल मोर्चे दे उपर डटे हुए संसद दे विच गूंजन वाले भगवंत मान नूं दूजे दिन शांत करन दीआं सारीआं तैयारियां कीतीआं होईआं सी। पहली गल तां भगवंत मान ने जदों बोलना शुरू कीता तां उहनां नूं विच्चों कई वार टोकिआ गिआ, उहनां दी गल पूरी नहीं होण दित्ती जा रही सी। उहनां नूं वार वार संसद दे रूल समझाए जा रहे सी। कह सकते हैं कि मान साहब नूं चुप कराउण दी पूरी तैयारी कीती सी, जिस दे विच उह काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। दोस्तों आपां निश्चित रूप विच कह सकते हैं कि इस मामले दे विच पंजाब दे किसान ते हरियाणा दे किसान एकजुट होए आ। पर दूजे किरती चाहे आपां मजदूर कह लिए जां दुकानदार कह लिए जां वर्कशापां दे मालक कह लिए, उह किते ना किते किसानां दे नाल अजे तक जुड़दे हुए दिखाई नहीं दे रहे। वह समझदे कि यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ किसानां दी आ। पर दोस्तों आपां कुछ क लाइनां बोलदे आ जिस नाल तुसीं समझ जाओगे जेकर यह ऑर्डीनेंस किसान दे विरोधी आ तां यह दूजे सारे दुकानदारां दे ते मजदूरां दे भी विरोधी आ। आजो आपां उस बारे गल करदे आ। दोस्तों जेकर किसान खत्म हुंदा तां सीरी पाली मजदूर भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि किसान ही मजदूरों नूं काम दिंदा। मंडियां खत्म होईयां तां आड़तीए ते पल्लेदारी भी खत्म होनी लगभग तय आ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नाल वड्डे फार्मां तों माल सीधा फैक्ट्रियां विच जाया करेगा तां छोटी इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो जाऊगी। फैक्ट्रियां तों पैक माल वड्डे स्टोरां विच पचाया जाऊगा तां छोटे दुकानदार खत्म हो जाणगे। जेकर जमीनां दे उपरों किसानां दी मालकी खत्म हो गई तां साडे खरीदे वड्डे ट्रैक्टर वेले हो जाणगे। खेती संद बनाउण वाले ते मरम्मत करन वाले मिस्त्री वेले हो जाणगे। जदों सरकार ने सारा कुछ प्राइवेट कर दिता तां सरकारी नौकरियां कित्थों लाउंगे। दोस्तों इह लड़ाई नूं कल्ले किसानां दी लड़ाई ना समझो। किसान खत्म हुंदा तां लगभग सारयां दे उपर इसदा प्रभाव पैणा लगभग तय आ। इह कतार बहुत लंमी आ। जेकर किसे नूं अजे भी लगदा कि इह लड़ाई कल्ले किसान दी आ तां दोस्तो इह गल छड्डो ते सारे इकट्ठे हो के इक्को मंच दे उपर सरकार दा इन्हां ऑर्डीनेंस नूं लै के विरोध करो। जेकर बगानी लड़ाई समझ के घिसल वट्टी रही तां मगरों उलझी ताणी दा सिरा लभणा औखा हो जूगा। इह सरकारां कल्ली कल्ली उंगल नूं मरोड़ सिटणगियां ते जेकर आपां इकट्ठे हो के इन्हां नूं इक मुट्ठी बना लईए तां अपनी ताकत सरकारां तों किते वध हो जूगी। ते नाले फिर सियाणियां ने सच ही कहा कि जेकर एक मुट्ठी नूं इकट्ठे हो के मुक्की बना लईए तां इह वड्डे वड्डे विगड़ियां होयां दे नक भन्न सकदी आ। सो आपां नूं इकट्ठे हो के कम करना चाहीदा। इह लड़ाई कल्ले किसानां दी नहीं बल्कि सारे किरतियां दी, मजदूरां दी, दुकानदारां भाइयां दी आ, आड़तियां दी आ। सो सारे एकजुट हो के इन्हां ऑर्डीनेंस दा विरोध करिए। सो दोस्तों जेकर इह गल्लां मेरियां चंगीयां लगियां तां प्लीज़ 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 किसानां दे हक दे लई, किसानां दी एकता दे लई वीडियो नूं इन्ना क वायरल करो कि हर एक दे मोबाइल दे विच इह वीडियो पहुँच जावे। तो वीडियो दे उपर 10,000 लाइक जरूर करो। होर वीडियोज़ दे लई चैनल नूं सबसक्राइब भी करो। थैंक यू सो मच।